हेलो गाइस, वेलकम बैक। माय सेल्फ एस के अग्रवाल, और आज अपन बात करेंगे लिपिड का नेक्स्ट पार्ट, ठीक है। क्योंकि अपन ने इससे पहले जो कार्बोहाइड्रेट है वो भी कंप्लीट किया है। खासतौर से कोई भी स्टूडेंट हो जो लाइफ साइंस ब्रांच से हो, और लाइफ साइंस में जो भी स्टेट की एलिजिबिलिटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर अपन कहें नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर अपन कहें बायोलॉजी के अंदर किसी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, जिसमें ये सिलेबस जो मेंशन है लाइफ साइंस में, खासतौर से कार्बोहाइड्रेट्स है, लिपिड्स है, बायोकेमिस्ट्री है, वो सभी चीजें इसके अंदर इंक्लूड है। अपन जो है आज बात करेंगे अपन इसी का जो नेक्स्ट पार्ट है लिपिड का, उसी के बारे में। और उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो भी कार्बोहाइड्रेट और जो लिपिड है वो आपको प्ले लिस्ट के अंदर यूनिट फर्स्ट बायोकेमिस्ट्री के नाम से आपको मिल जाएगी। तो जो भी स्टूडेंट ज्यादा प्रिपरेशन कर रहे हैं, खासतौर से स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट की या फिर अपन कहें नेट की, उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं ये लेक्चर। तो आप ज्यादा से ज्यादा जो है वो अपने फ्रेंड्स तक शेयर कीजिए, और खुद भी डेली क्लास लीजिए, ताकि आपके जो बेसिक चीजें हैं वो कंसेप्ट क्लियर हो। इसी के साथ आज अपन स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, एक्शन ऑफ फॉस्फोलाइपेज। देखो, फॉस्फोलाइपेज के नाम से भी है, फॉस्फोलाइपेज क्या करता है? हाइड्रोलाइसिस। इसका हाइड्रोलाइसिस करता है, हाइड्रोलाइसिस ऑफ फॉस्फोलिपिड। तो ये क्या करते हैं, एंजाइम है ये, तो हाइड्रोलाइसिस ऑफ फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड्स का क्या करता है, ये हाइड्रोलाइज करता है। देखो, फॉस्फोलाइपेज है, फॉस्फोलिपिड खासतौर से कहां पाए जाते हैं? फॉस्फोलिपिड जो है वो पाया जाता है, अपन देखें, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। इसका मतलब ये जो फॉस्फोलाइपेज है वो किसी भी सेल की जो मेम्ब्रेन है उसको भी क्या कर सकता है, डैमेज कर सकता है। क्योंकि फॉस्फोलिपिड जो है वो किसी भी सेल जो मेम्ब्रेन है, सेल की जो मेम्ब्रेन है उसका मुख्य जो कंपोनेंट है वो कौन सा है, ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड है। इस प्रकार से अपन शो कर सकते हैं, ये क्या है, हेड ग्रुप है, और बीच में क्या है, टेल ग्रुप है। ये वाले कौन से हैं, हेड, और ये वाले जो अंदर वाले हैं वो कौन से हैं, टेल। और कंप्लीट स्ट्रक्चर किसकी है, ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड की है। किस पे अटैक करते हैं ये जो एंजाइम है, खास तौर से अटैक करते हैं, अटैक ऑन ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स। देखो, हो सकता है आप लोगों को लगे कि मैं जितने भी टर्म्स हैं वो बोर्ड पे यूज में ले रहा हूं। उसका कारण है कि देखो, हर स्टूडेंट जरूर नहीं है कि हाई लेवल का हो, क्योंकि मेरा इस क्लास का जो पर्पज है वो उन मिडल जो स्टूडेंट है, जो ये हैं खासतौर से हिंदी मीडियम के हैं, उन सभी को मैं चाहता हूं कि उनको जो इंग्लिश मीडियम की जो बुक्स हैं वो प्रॉपर रूप से समझ में नहीं आ पाते हैं। और काफी स्टूडेंट्स के देखो ऐसे कमेंट्स भी आते हैं, पाथफाइंडर की अपन बात करते हैं वो केवल इंग्लिश मीडियम में है, और लाइफ साइंस की बात करते हैं कोई भी बुक हो, सभी बुक्स कैसे आती है, इंग्लिश मीडियम में आती है, तो बच्चों को काफी प्रॉब्लम्स होती है। इसलिए मैं चाहता हूं कि जो भी हिंदी स्टूडेंट हो, जो सी एस आई आर नेट या सेट का एग्जाम देना चाह रहा है और उसको क्वालिफाई करना चाह रहा है, अच्छी मेहनत कर रहा है, उनसे उन्हीं के लिए मैं ये जो वीडियो है वो तैयार करता हूँ, ठीक है। इसीलिए मैं हर टर्म जो है वो बोर्ड के ऊपर लिखता हूँ, ताकि किसी भी स्टूडेंट की जो वोकेबलरी है वो आप अच्छे से समझ जाओ और उसको लिख पाओ। क्योंकि मैं बोल दूंगा तो आप रजिस्टर में, नोटबुक में प्रॉपर रूप से नोट नहीं कर पाओगे, स्पेलिंग गलत आएगी, आप जब ऑप्शन में बैठोगे एग्जाम देने वहां पर आप गलत करके आओगे। इससे बेटर है थोड़ा सा मैं चीजों को लिखता बोर्ड पे इसीलिए हूं कि आपकी कहीं कोई मिस्टेक ना हो नोटबुक के अंदर, ठीक है। तो यहां पे किस पे अटैक करता है, अटैक ऑन ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उनको तोड़ देता है, जिसके कारण से प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या कर देता है, डिस्टर्ब कर देता है, डिस्टर्ब प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसका मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए कैसे है, हानिकारक है।
ये खासतौर से जो भी एंजाइम्स होते हैं, ये खासतौर से जो भी एंजाइम है कौन से बॉन्ड को तोड़ते हैं, ये खासतौर से ब्रेक या हाइड्रोलाइसिस एस्टर बॉन्ड, क्योंकि फॉस्फोलिपिड के अंदर एक फॉस्फोलिपिड के अंदर क्या पाए जाते हैं, एस्टर बॉन्ड्स पाए जाते हैं, उनके ऊपर क्या करते हैं अटैक करते हैं। इनकी अपन टाइप्स देखें, फॉस्फोलाइपेज जो है या फॉस्फोलाइपेज के जो एंजाइम्स के हैं एग्जांपल है, देखिए फॉस्फोलाइपेज A1 फॉस्फोलाइपेज A2 फॉस्फोलाइपेज C फॉस्फोलाइपेज D। ये कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं, जो आपको खासतौर से एग्जाम के अंदर आपको हमेशा पूछे गए हैं उन्हीं के बारे में बता रहा हूं आपको। सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो कौन से वाला है, तो ये है और एक ये है, फॉस्फोलाइपेज A2 और फॉस्फोलाइपेज C सबसे इंपॉर्टेंट है। इनकी जो एक्शन साइट है वो देखो अलग अलग होती है, मैं आपको एक साथ ही बता देता हूं सबकी। यहां पर अपने एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये स्ट्रक्चर मैंने आपको पहले चीजें बता दी, अब अपन इन सबकी एक एक अपन डायग्राम बनाते हैं। पहले देखो ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड का डायग्राम है, अपने लास्ट क्लास में भी देखे हैं, तो आपको इतना तो बनाना आ गया होगा ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड का। तो देखो सबसे पहले अपन बनाते हैं 1, 2, 3 तीन कार्बन का ग्लिसरॉल है। यहां पर अपन देखें H2 चलो इस साइड में बना देता हूं मैं, यहां पर H और यहां पर H, ठीक है। यहां पर अपन बात करें फैटी एसिड जुड़ी हुई है, कौन से नंबर पर, कार्बन नंबर फर्स्ट के ऊपर। फिर यहां पर देखें अपन कार्बन नंबर 3 के ऊपर। मैं अलग अलग इसलिए बना रहा हूं ताकि आप इसको समझ सको। ये फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहां पर अपन देखिए यहां पर फैटी एसिड 2 नंबर है। इसका मतलब ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड जो है उसमें कितनी फैटी एसिड होती है, 2 फैटी एसिड होती है। यहां पर अपन देखिए कार्बन नंबर 1 कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3। कार्बन नंबर फर्स्ट के ऊपर फैटी एसिड 1 फैटी एसिड 2 यहां पर फॉस्फेट ग्रुप, और ये कोई भी एक्स्ट्रा ग्रुप जो भी हो सकता है, ये कौन सा है, कोई भी एक्स्ट्रा ग्रुप हो सकता है। देखो अब अपन एक्शन साइट देखते हैं इनकी। पहला अपन लेते हैं फॉस्फोलाइपेज A। फॉस्फोलाइपेज A कहां पे अटैक करता है, तो फॉस्फोलाइपेज हमेशा ग्लिसरॉल के कार्बन नंबर फर्स्ट के ऊपर जो एस्टर बॉन्ड है उसको हाइड्रोलाइज करता है, कौन करता है, फॉस्फोलाइपेज A। तो ये इसकी क्या है, टारगेट साइट है। फॉस्फोलाइपेज A1। सेकेंड के अपन देखें तो सेकेंड की जो टारगेट साइट है वो कौन सी है, ये वाली, किसकी, फॉस्फोलाइपेज A2 की। फॉस्फोलाइपेज A2। अब अपन बात करते हैं फॉस्फोलाइपेज C की, कार्बन नंबर 3 के ऊपर। तो यहां पर आ जाएगा फॉस्फोलाइपेज C। ठीक है, यहां पे क्या गया, फॉस्फोलाइपेज C।
यहां पर अपन बात करें कि अक्षरा ग्रुप है, इस गोंड को अगर कोई तोड़े तो वो कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट वाला पेज डी। आपको मैंने एक साथ ही एक ही डायग्राम के अंदर सभी टारगेट साइट बता दी है, ठीक है। याद रखना, आपको कई बार एग्जाम के अंदर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया है कि अगर आपने जो ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड है उसके अंदर आपने पर्टिकुलर जो एंजाइम डाला है फॉस्फोलाइपेज वन डाला है, फॉस्फोलाइपेज ए वन, तो वो कौन से को तोड़ेगा, तो वो अटैक करेगा कार्बन फर्स्ट के ऊपर जो एस्टर बॉन्ड है उसको तोड़ेगा। सेकेंड ये है, किसको तोड़ेगा, फॉस्फोलाइपेज ए टू सेकेंड वाले को कार्बन को तोड़ेगा, यहां पर मतलब एस्टर बॉन्ड को तोड़ेगा, और फॉस्फोलाइपेज सी जो है वो इसको तोड़ेगा, और फॉस्फोलाइपेज डी है वो एक्स्ट्रा ग्रुप को यहां से रिमूव करेगा। अब अपन बात करते हैं, पहले अपन देखते हैं फॉस्फोलाइपेज ए टू की, क्योंकि मैंने आपको बताया था फॉस्फोलाइपेज ए टू जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। देखो यही बनाता हूं आपके लिए, देखो फॉस्फोलाइपेज ए टू, फॉस्फोलाइपेज ए टू, फॉस्फोलाइपेज ए टू खास तौर से ये जो एंजाइम है, एंजाइम प्रेजेंट इन mostly honeybees and snake venoms, snake के अंदर देखने को मिलता है या honeybee है उनके अंदर देखने को मिलता है, ये जो enzyme होता है ये mostly इनके अंदर पाया जाता है। इसलिए जब भी मधुमक्खी या snake जो अपने को कट करता है तो वो कौन सा हॉर्मोन मतलब एंजाइम है वो रिलीज करता है, ये करता है फॉस्फोलाइपेज ए टू अपनी बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर देता है, इंजेक्ट इन अवर बॉडी, अब अपनी बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर देता है। ये क्या करता है, जो भी सेल है ब्लड सेल्स है, खासतौर से जो ब्लड सेल्स है, इम्यून सेल्स है, ब्रेन की सेल्स है, नर्वस सिस्टम सेल्स है, उन सेल्स को ऊपर जाकर क्या करता है, ये अटैक अटैक ऑन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर क्या करता है, ये अटैक करता है, अटैक करने के कारण से ये क्या करता है, ब्रेक, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन किससे बनी होती है, मोस्टली फॉस्फोलिपिड से, तो ये ब्रेक करता है ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड, इसके ऊपर अटैक करेगा ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड के ऊपर, और जैसे इसके ऊपर अटैक करेगा तो यहां से एक मतलब अपन कहें बाय प्रोडक्ट के रूप में, यदि इस पे एक अटैक करेगा तो इससे क्या निकल जाएगी, ये तो फैटी एसिड निकल जाएगी, फैटी एसिड कौन सी निकल जाएगी, दो नंबर कार्बन वाली, तो अपन इसको कह सकते हैं R2, ये निकल जाएगी फैटी एसिड। इसका मतलब यहां पर जो बचेगा उसमें क्या बचेगा, एक तो फैटी एसिड और एक फॉस्फेट ग्रुप रहेगा, तो इसे लाइसोफॉस्फोलिपिड के अपन नाम से जानते हैं, लाइसोफॉस्फोलिपिड। तो यहां पर क्या बन जाएगा, फॉस्फोलिपिड क्या बनेगा, बाय प्रोडक्ट के रूप में लाइसोफॉस्फोलिपिड। ये टर्म आपको याद रखना है, ये काफी एग्जाम के अंदर आपको ये टर्म जो है वो देखने को मिल सकता है। ये एक पावरफुल डिटर्जेंट है, पावरफुल
डिटर्जेंट, ये एक पावरफुल डिटर्जेंट के रूप में वर्क करता है क्योंकि इसमें दोनों प्रकार के एंड पाए जाते हैं, पोलर एंड और नॉन पोलर एंड। ठीक है, तो ये तो नॉन पोलर एंड हो गया और ये पोलर एंड हो गया, इसलिए ये क्या करता है, अटैक ऑन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो नर्वस सिस्टम है, न्यूरॉन्स हैं, उनकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, माइलिन है, उनके ऊपर क्या करता है, ये अटैक करता है, जिसके कारण से जो सेल्स है वो क्या हो जाती है, रप्चर। रप्चर हो जाती है या सेल लाइसिस हो जाती है। ठीक है, लाइसिस मतलब सेल है जो फट जाती है। इसके कारण से अपने सेल्स धीरे धीरे अपना जो फंक्शन है वो बॉडी का फंक्शन धीरे धीरे कम होने लगता है। तो ये इसका जो प्रोडक्ट बनता है लाइसोफॉस्फोलिपिड, इसको अपन कैसे बना सकते हैं, पहले आपको ये डायग्राम बनाना है। इस डायग्राम से आप तीर का निशान लगाओ, तीर का निशान लगा के आपको दिखाना है फॉस्फोलाइपेज ए टू का। फॉस्फोलाइपेज ए टू ने यहां से इसको क्या कर दिया, रिमूव कर दिया और यहां पर क्या बन गया, OH बन गया। तो यहां पर देखो आप, ये कुछ डायग्राम इस प्रकार से बनेगा, ये लो, क्योंकि ये बताया मैंने आपको बाय प्रोडक्ट के रूप में निकल जाएगी। तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर किसका है, ये स्ट्रक्चर इसका है लाइसोफॉस्फोलिपिड। लाइसोफॉस्फोलिपिड जो एक्ट एज ए डिटर्जेंट के रूप में वर्क करता है और अपने जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उनको क्या करता है, डिग्रेड कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके कारण से सेल्स जो है वो रप्चर हो जाती है और अपना फंक्शन प्रॉपर रूप से नहीं कर पाती है, जिसके कारण से धीरे धीरे बॉडी के अंदर इम्यूनिटी कम होने लगती है, ऑक्सीजन की डिफिशियंसी आने लगती है और बॉडी जो है आरबीसी फट जाती है इसके कारण से, और जिसके कारण से बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की डिफिशियंसी के कारण से अपनी बॉडी जो है वो डीऑक्सीजनेटेड होने लगती है और बॉडी जो है वो कौन से कलर के पड़ने लगती है, ब्लू कलर की बॉडी जो है वो पड़ने लगती है। तो ये इसका इफेक्ट है, इसका ए टू का इफेक्ट है। अब अपन बात करते हैं सी की, फॉस्फोलाइपेज सी का, और बता देता हूं मैंने आपको सबसे बताया कि पहले भी कि दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं फॉस्फोलाइपेज सी। यहां पर स्ट्रक्चर बना देता हूं वापस, कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर थी इसकी, इसी साइड बना देता हूं। चलो ये स्ट्रक्चर है, अब अपन देखते हैं फॉस्फोलाइपेज सी। फॉस्फोलाइपेज सी जो है वो अटैक करता है किसके ऊपर, आपको पता है फॉस्फोलाइपेज सी अटैक करता है यहां पर, फॉस्फोलाइपेज सी कौन से कार्बन पर, थ्री कार्बन पर, हाइड्रोलाइसिस ऑफ, किस पे हाइड्रोलाइसिस करता है, ग्लिसरॉल की थ्री कार्बन पर। ग्लिसरॉल पर थ्री कार्बन पर जो एस्टर ग्रुप है, एस्टर बॉन्ड है, उसको क्या करता है, हाइड्रोलाइसिस करता है, जिसके कारण से यहां पर जो फॉस्फेट ग्रुप है वो क्या होता है, यहां से निकल जाता है, रिमूव फॉस्फेट ग्रुप निकल जाएगा और एक्स्ट्रा कोई भी ग्रुप होगा वो भी निकल जाएगा इसके साथ। ठीक है, अब बचेगा क्या, बाय प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के रूप में क्या बचेगा आपके सामने, देखो ये स्ट्रक्चर है यहां पर, अगर अपन इसके ऊपर अटैक करें, इसके ऊपर अटैक करेगा ये, तो यहां से रिमूव हो जाएगा ये वाला, अगर इसको अपन रोल दिखाएं, ये डायग्राम आपको बनाना है यहां पर, तो इसमें कंडीशन जो आ जाएगी, R1
आर टू, यहां पर ओ एच, ये स्ट्रक्चर बनेगी। ये जो स्ट्रक्चर है इसमें फैटी एसिड कौन से कार्बन पर जुड़ा हुआ है, वन और टू पर, दो फैटी एसिड जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ग्रुप निकल गया। ये जो स्ट्रक्चर है उसे अपन क्या कहेंगे, वन टू डाई एसाइल, डाई एसाइल फॉस्फेट। जिसे अपन कह सकते हैं डाइएसाइल ग्लिसरॉल, डाइएसाइल फॉस्फेट कह सकते हैं, डाइएसाइल ग्लिसरॉल भी कह सकते हैं, डाइएसाइल ग्लिसरॉल, ये बनेगा इसके रूप में, क्योंकि कार्बन नंबर फर्स्ट और कार्बन नंबर टू के ऊपर दो फैटी एसिड बची हुई है, इसलिए इसे अपन कहेंगे डाइएसाइल ग्लिसरॉल फॉस्फेट। और जो डाई एसाइल ग्लिसरॉल फॉस्फेट, ये एक्ट एज एक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल के रूप में वर्क करता है इंट्रासेलुलर क्या कहेंगे अपन इसे, इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल के रूप में इसे अपन सेकेंडरी मैसेंजर भी कहते हैं, ये सेकेंडरी मैसेंजर के रूप में वर्क करता है। इसके अलावा आयनाइज पाथवे प्रोटीन काइनेज को क्या करता है, ये एक्टिवेट करता है, मतलब सेल सिग्नलिंग को क्या करता है, ये एक्टिवेट करता है, प्रोटीन काइनेज को भी क्या करता है, ये एक्टिवेट करता है। ये दो रोल में बताया आपको, फॉस्फोलाइपेज ए टू का और फॉस्फोलाइपेज सी का, और दोनों ही कैसे हैं, इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम के अंदर आपको इससे रिलेटेड जो चीजें हैं वो पूछी जाती है। इसका जो देखो फॉस्फोलाइपेज सी जो है, इसका सेल सिग्नलिंग में काफी इंपॉर्टेंट रोल है। सेल सिग्नलिंग जब अपन पढ़ेंगे तब इसका रोल मैं आपको वापस डिटेल में बताऊंगा। यहां पर सेकेंड अपन टर्म देख लेते हैं, प्लाज्मेलोजेन्स, यहां पर अपन टर्म देखते हैं प्लाज्मेलोजेन्स। देखो प्लाज्मेलोजेन्स काफी बार आपको एग्जाम के अंदर कहीं ना कहीं ये टर्म सुनने को मिलेगा। पहली चीज क्यों मिलेगा, क्योंकि जितने भी जो फॉस्फोलिपिड हैं, जितने भी ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मोस्टली ग्लिसरो फॉस्फोलिपिड में एस्टर बॉन्ड पाए जाते हैं। ये स्ट्रक्चर आप लास्ट वीडियो जो है उनमें मैंने बनाई थी, पहले स्ट्रक्चर काफी बार बना चुका हूं, इसलिए इसे बार बार स्ट्रक्चर बनाने से मतलब उन्हें काफी टाइम लगता है। तो ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड जो है उसमें कौन सा पाए जाते हैं, एस्टर बॉन्ड, जो ये सभी है एस्टर बॉन्ड है, ये वाले एस्टर बॉन्ड है, तो यहां पर एस्टर बॉन्ड पाए जाते हैं। लेकिन एक्सेप्शन के रूप में कुछ जो ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड के एग्जाम्पल हैं, पहली बात तो प्लाज्मेलोजेन भी क्या है, ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड का ही एक मॉलिक्यूल है, ठीक है ना, ये भी किसका एग्जांपल है, ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड ही है। दूसरी चीज, ऐसा ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड, ऐसे फॉस्फोलिपिड्स जिनके कार्बन वन पर क्या पाए जाते हो, इथर लिंकेज पाए जाते हो, ठीक है ना, कार्बन वन पर अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड
फैटी एसिड, फैटी एसिड किससे जुड़े रहते हैं, लिंक्ड बाय फैटी एसिड, जो किससे जुड़ा है, इथर लिंकेज से जुड़ते हैं। पहली चीज आपको याद रखना, प्लाज्मेलोजन के ऊपर इथर लिंकेज है वो ग्लिसरॉल के कौन से कार्बन पर पाया जाता है, तो कार्बन नंबर फर्स्ट पर, आपको ये याद रखनी है, ठीक है, कार्बन नंबर फर्स्ट के ऊपर अनसेचुरेटेड एक फैटी एसिड जो है वो जुड़ी रहती है, और कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, इथर लिंकेज पाया जाता है। इसके अलावा प्लाज्मेनोजन जो है इथर लिंकेज का, तो देखो एग्जाम्पल शो करता ही करता है। इसके अलावा प्लाज्मेनोजेंस जो है प्लाज्मेनोजेंस, प्लाज्मेन पाया जाता है, क्या है, ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड का एग्जाम्पल है प्लाज्मेनोजेंस के हेड ग्रुप में मोस्टली कौन से एक्स्ट्रा ग्रुप, मतलब इस ग्रुप की बात कर रहे हैं, मोस्टली एक्स्ट्रा ग्रुप के रूप में, मोस्टली इथेनॉल एमीन कोमा कॉलिन तथा सीरीन पाए जा देते हैं। आपको याद रखना है प्लाज्मेलोजेंस में एक्स्ट्रा जो हेड ग्रुप है उसमें कौन से पाए जाते हैं, इथेनोलामीन कॉलिन और सीरिंस जो है मोस्टली मॉलिक्यूल्स के रूप में देखने को मिलते हैं। ये जो प्लाज्मेलोजेंस है खासतौर से अपन बात करें कि कहां पे पाए जाते हैं, ये मोस्टली नर्वस सेल्स, प्लाज्मेलोजेंस मोस्टली प्रेजेंट इन मोस्टली कहां पे पाए जाते हैं। पहली चीज तो अपन देखें जैसे इम्यून सेल्स है उनके अंदर पाए जाते हैं, इसके अलावा नर्वस सेल्स पे पाया जाता है प्लाज्मेलोजेंस, इसके अलावा इम्यून सेल्स मतलब इम्यूनिटी के अंदर जो यूज आने वाली सेल्स है उनके अंदर भी देखने को मिलता है, इसके अलावा कार्डियो वेस्कुलर सिस्टम उनके अंदर भी क्या है देखने को मिलते हैं, प्लाज्मेलोजेंस के एग्जाम्पल जो है वो देखने को मिलते हैं। दूसरी चीज अपन बात करें ह्यूमन हार्ट में ह्यूमन हार्ट में 30-40% एक्स्ट्रा ग्रुप क्या पाया जाता है, कॉलिन पाया जाता है, ठीक है, 30-40% जो है वो हार्ट के अंदर कौन सा पाया जाता है, कॉलिन देखने को मिलता है। इसके अलावा अपन बात करें ह्यूमन ब्रेन के अंदर तो ह्यूमन ब्रेन में खास तौर से देखो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें कंपोनेंट कौन सा होता है, माइलिन सीथ पाई जाती है, स्फिंगोमाइलिन पाया जाता है, तो ह्यूमन ब्रेन में माइलिन सीथ में 70-80% क्या पाया जाता है, इथेनॉल एमीन देखने को मिलता है, इथेनॉल एमीन पाया जाता है, मतलब माइलिन सीथ के अंदर मुख्य जो एक्स्ट्रा कंपोनेंट है वो कौन सा रहता है, इथेनॉल
एमीन होता है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो कई बार एग्जाम में एकदम सीधी आ जाती है, इसलिए आपको मैं बता रहा हूं। हार्ट के अंदर सबसे अधिक मतलब 30-40% कॉलिन, ह्यूमन ब्रेन में जो माइलिन सीथ पाई जाती है उसमें सबसे ज्यादा कौन सा पाया जाता है, इथेनॉल एमीन्स देखने को मिलते हैं। देखो आगे का जो टॉपिक है वो लिपिड डेराइवेटिव्स है, तो लिपिड डेराइवेटिव्स देखो नया टॉपिक है और नया टॉपिक है, मैं चाहता हूं कि आज अगर अपन स्टार्ट करेंगे तो कल प्रॉपर रूप से हो नहीं पाएगा वो, इसलिए मैं चाहता हूं कि भाई लिपिड डेराइवेटिव्स हैं वो अपन आज ना स्टार्ट कर कल स्टार्ट करें, ताकि कल की जो क्लास है वो केवल लिपिड डेराइवेटिव के ऊपर हो, क्योंकि लिपिड डेराइवेटिव्स जो हैं खासतौर से ट्रिपिनोइड्स हैं और अपन बात करें कैरोटिनोइड्स हैं उनके ऊपर जो भी चीजें हैं उनके ऊपर बात करेंगे कल, ताकि एक क्लास पर्टिकुलर उन्हीं के लिए हो जाए और उनमें से काफी क्वेश्चंस है जो हमेशा पूछे जाते हैं, तो वो क्लास अपन कल डिस्कस करेंगे उसके बारे में। आज अपना जो एंजाइम से रिलेटेड था फॉस्फोलाइपेज एंजाइम प्लाज्मेलोजेंस इनके बारे में डिस्कस किए हैं। देखो ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट रहती है, आप कभी भी किसी भी चीज को इग्नोर करके ना चले कि सर इतना ज्यादा डिटेल में बता रहे हैं, इतनी चीजें बताने की आवश्यकता ही नहीं है, एग्जाम पास में है। अरे भाई मैं एक घंटे का बनाता हूं या फिर 40 मिनट का, आप 40 मिनट अगर डेली देख लो और आपका पढ़ते रहो तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर जो स्टूडेंट ये सोचते हैं कि 40 मिनट क्यों देखें, तो भी देखो 40 मिनट कहीं बचने तो है नहीं, 40 मिनट कहीं ना कहीं तो निकलेंगे। ये 40 मिनट हो सकता है आप जब खाना खा रहे हो तब देख सकते हो, कुछ भी कर रहे हो, चाय पीने बैठ गए दोपहर को तब लगा के देख लिया, 40 मिनट है देख लोगे कोई दिक्कत नहीं है। और ये चीजें जो है वो काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जब आप में एग्जाम में बैठोगे तब आप ये चीज याद करोगे, इसलिए मैं इसको बार बार कह रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट इस चीज को जरूर देखें, ताकि क्योंकि मुझे भी मेरा अनुभव जो है वो चीजें बोल रही है। काफी बार मैंने भी नेट के एग्जाम दी है, कम से कम भी मैंने एग्जाम जो है वो 15 बार एग्जाम दी होगी, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको सभी चीजें इंपॉर्टेंट है, तो आप ध्यान रखें इस चीज का। जो भी स्टूडेंट सेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या नेट की प्रिपरेशन, इन क्लासेस में से आपको क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलेंगे। आज के लिए अपना वीडियो ही कंप्लीट होता है, थैंक यू फ्रेंड्स।